आपकी तरह हमें भी स्कूल की हिस्ट्री की किताबें समझ नहीं आईं, क्योंकि इतिहास सिर्फ तारीखों का रहन तो है नहीं। सो आज किताबी बातें में होंगी इतिहास की कुछ कहानियां, आज़ादी के बाद के भारत की कहानियां। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा डेली शो किताबी बातें, यानी रोज़ की एक किताब और उससे जुड़े रोचक प्रसंग। इसी सिलसिले में आज की किताब है रामचंद्र गुहा की किताब भारत गांधी के बाद। जी हाँ, ये वही प्रसिद्ध किताब है जो आपका दोस्त हॉस्टल से ले गया था लेकिन कभी वापस नहीं की। इतिहासकार राम गुहा हिमालय की तलहटी में पैदा हुए और वहीं बड़े हुए। वो बीते 3 दशकों से इतिहासकार रहे हैं, येल और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा चुके हैं। उन्होंने पर्यावरण और क्रिकेट पर भी कुछ दिलचस्प किताबें लिखी हैं। इससे पहले आपका दिल किससे शुरू करते हैं आज के दिलचस्प किस्से। महात्मा गांधी ने एक बार इच्छा जाहिर की कि वो एक अछूत जाति की महिला को भारत के पहले राष्ट्रपति के तौर पर देखना चाहते हैं। वो हो नहीं सका, लेकिन इसकी कुछ भरपाई तब की गई जब डॉक्टर बीआर अंबेडकर को संविधान सभा का की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। अंबेडकर और पहले आम चुनाव से जुड़े कुछ रोचक ब्यौरे भी गुहा हमें सौंपते हैं, जैसे कि इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण हार बीआर अंबेडकर की हुई थी। बंबई में उनके निर्वाचन क्षेत्र में उन्हें हार दूध का कारोबार करने वाले नौसिखिय नेता काजरोलकर के हाथों मिली थी। मशहूर मराठी पत्रकार पी के अंतरे ने एक नारा गढ़ा था जो उस वक्त काफ़ी मशहूर हुआ था, कुथे तो घटनाकर अंबेडकर आनी कुथे हा लोनविक्या काजरोलकर। इसका मतलब था कहाँ संविधान के महान निर्माता अंबेडकर और कहाँ नौसिखिया मक्खन बेचने वाला काजरोलकर। लेकिन आखिर में कांग्रेस की पकड़ और प्रतिष्ठा काजरोलकर के पक्ष में काम कर गई। इसके अलावा नेहरू ने बंबई में जो कई भाषण दिए थे वो भी काजरोलकर के पक्ष में रहे। नतीजे में अंबेडकर चुनाव हार गए। किताब में एक बहुत ज़रूरी बहस भी हमें मिली सोमनाथ मंदिर को लेकर, और ये बहस हुई थी नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के बीच। साल 1951 के बसंत में राष्ट्रपति को गुजरात में सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के लिए आमंत्रण दिया गया। कभी अपनी धन संपत्ति के लिए मशहूर सोमनाथ पर अतीत में कई मुस्लिम सरदारों और राजाओं ने हमले किए थे, जिसमें 11वीं सदी का कुख्यात लुटेरा महमूद गजनवी भी शामिल था। जब भी कभी मंदिर को तबाह किया गया, इसे फिर से बना दिया गया। आखिरी बार मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे पूरी तरह तोड़ देने का हुक्म दिया था। तब से ये मंदिर करीब 2.5 शताब्दियों तक ऐसे ही जर्जर हालत में पड़ा रहा। सन 47 में सरदार पटेल ने खुद सोमनाथ का दौरा किया और इसके पुनर्निर्माण का वादा किया। इसके बाद पटेल के सहयोगी के मुंशी ने इसे दोबारा बनवाने का जिम्मा अपने हाथ में लिया। लेकिन जब भारत के राष्ट्रपति ने मंदिर के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया तो ये बात नेहरू को पसंद नहीं आई। उन्होंने प्रसाद को सलाह दी कि वो सोमनाथ मंदिर के भव्य उद्घाटन समारोह में हिस्सा ना लें, जिसके दुर्भाग्यजनक रूप से कई मतलब निकाले जाएंगे। व्यक्तिगत रूप से मैं सोचता हूं कि सोमनाथ में विशाल मंदिर बनाने पर जोर देने का ये सही समय नहीं है। इसे धीरे धीरे किया जा सकता था और बाद में प्रभावपूर्ण ढंग से किया जा सकता था। फिर मैं सोचता हूं कि बेहतर यही होगा कि आप उस समारोह की अध्यक्षता ना करें। ये नेहरू कह रहे हैं राजेंद्र प्रसाद को। हालांकि इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं कि प्रसाद ने नेहरू की सलाह नहीं मानी और सोमनाथ के लिए रवाना हो गए। हालांकि उन्होंने इतना ही किया कि अपने भाषण को गांधी जी के अलग अलग धर्मों के भाईचारे के सिद्धांत पर ही केंद्रित रखा। हालांकि ये सच है कि उन्होंने हिंदुस्तान के स्वर्णिम युग को याद किया, जब देश के मंदिरों में अथाह सोना चांदी देश की समृद्धि दर्शाता था। हालांकि सोमनाथ के बाद के इतिहास से यही सबक मिलता है कि धार्मिक असहिष्णुता से सिर्फ नफरत और अनैतिक कार्यों को ही बढ़ावा मिलता है। उसी आधार पर सोमनाथ के मंदिर के पुनर्निर्माण का मतलब पुराने घावों को कुरेदना नहीं था, जो कि पिछली शताब्दियों में काफ़ी भर चुका था, बल्कि हर एक जाति और समुदाय को पूरी आज़ादी पाने में मदद करना था। पूरी धार्मिक सहिष्णुता का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने लोगों से कहा कि वो धर्म के महान तत्वों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि सत्य और ईश्वर तक पहुँचने के कई रास्ते हैं। प्रसाद ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि जैसे सभी नदियां विशाल सागर में जाकर मिल जाती हैं, उसी तरह से अलग अलग धर्म ईश्वर तक पहुंचने में लोगों की मदद करते हैं। किताब में हमें एक किस्सा और मिला, जब वल्लभ भाई पटेल ने पहली बार माउंटबेटन के साथ रियासतों की समस्या पर बातचीत की थी तो उन्होंने वायसराय से आज़ादी मिलने के दिन तक सेब से भरी हुई एक पूरी टोकरी को एक साथ लाने को कहा था। वायसराय ने उनसे पूछा कि क्या वो 565 सेबों के थैले में से 560 पर संतुष्ट हो जाएंगे। ये बात ही रियासतों के भारत में एकीकरण की। कांग्रेस के इस कद्दावर नेता ने इस पर अपनी सहमति जताई। जैसे ऐसे दिन बीतते गए,
15 अगस्त से पहले उन सारी रियासतों में से सिर्फ 3 ने समस्या पैदा की और 15 अगस्त के बाद भी समस्या खड़ी करने वाली रियासतों की तादाद 3 ही थी। ये किताब संपूर्ण भारत की कहानी को कहती है। इस किताब के माध्यम से आप इतिहास के ढेर सारे उपेक्षित नायकों से भी परिचित होते हैं जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज़ादी के बाद ढेर सारे प्रश्न और मुद्दे हैं जिन पर सतही सामाजिक समझ है, जैसे रियासतों का एकीकरण, हिंदू कोड बिल, चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद, पूर्वोत्तर की समस्याएं, अलगाववाद की समस्या, आपातकाल, ऑपरेशन ब्लू स्टार, राम मंदिर आंदोलन, मंडल आयोग की सिफारिशें, उदारीकरण और निजीकरण का दौर आदि। किताबी बातें में आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आपके लिए लिखा था हमारे साथी दीपक ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।